भोपाल के एक स्कूल में धन परिवर्तन का मामला सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आ गई है। मामले को बढ़ता देख पुलिस ने अब 5 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है, जिनमें से एक स्कूल का संचालन भी शामिल है, जबकि स्कूल मालिक पुलिस की गिरफ्त से फरार बताया जा रहा है। धर्म परिवर्तन से आक्रोशित हिंदू संगठन के लोगों ने स्कूल के सामने संचालक का पुतला जलाकर विरोध जताया है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में तमाम ये जो आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। धर्म परिवर्तन का ये पूरा मामला है, जहाँ 4 आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है और स्कूल संचालक अभी भी फरार है। तत्काल FIR कर दी गई है उस पर, और उसके साथ ही जितने भी मिशनरी स्कूल मध्य प्रदेश के अंदर हैं, उनके अंदर इस तरह की गतिविधियां चल तो नहीं रही है। इंटेलिजेंस को हमने कहा है कि इन सब पर भी नजर रखें। तो वही तमाम जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं ब्रजेश जैन, उनसे जानना चाहेंगे। जी ब्रजेश, जिस तरीके से अब खबरें सामने आ रही हैं कि स्कूल संचालक का फरार चल रहा है और धर्म परिवर्तन का ये पूरा मामला देखने को मिला है, जहां ये तस्वीरें भी एक बयान कर रही है, आक्रोशित की तस्वीरें हैं, क्या पूरी जानकारी वो आपसे जानना चाहेंगे ब्रजेश? देखिए, भोपाल के इस स्कूल में लंबे वक्त से धर्मांतरण का खेल चल रहा था। लोगों को, खासतौर से लड़कियों को और गरीबों को बरगलाकर धर्मांतरण किया जा रहा था, हिंदू धर्म के खिलाफ अनर्गल बातें करके, और जो मिशनरी जो है वो क्रिश्चियन धर्म को महान बताकर यहाँ पर धर्मांतरण का खेल खेल रहे थे। आरोप ये भी है कि पैसे का भी लालच यहाँ पर दिया जाता था और 50,000 से लेकर 2,00,000 रुपए तक लोगों को देकर धर्मांतरण कराया जाता था। पूरे मामले की जांच चल रही है, 5 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज है, इसमें एक बाप बेटी भी गिरफ्तार किए गए हैं, 4 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं जो मौके पर मौजूद थे, और लेकिन स्कूल संचालक जो है क्राइस्ट पब्लिक में जो स्कूल है उसके जो संचालक हैं वो फरार हो गए हैं, जिसकी तलाश में पुलिस लगी हुई है। लेकिन गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि पूरे मध्य प्रदेश में जहां जहां भी मिशनरी स्कूल है सोनाली, उनकी जांच की जाएगी, उनमें इंटेलिजेंस की मदद ली जाएगी और ये खोजबीन की जाएगी कि कहीं कुछ और मिशनरी स्कूल में इस तरह की गड़बड़ी तो नहीं चल रही है, क्योंकि लंबे समय से गृह विभाग को भी शिकायतें मिल रही थी, स्थानीय स्तर पर पुलिस को और प्रशासन को भी कई शिकायतें ऐसी मिली है। सागर का मामला सामने आया था, दमोह का, बैतूल का, छिंदवाड़ा का, तमाम मामले जो है धर्मांतरण के शामिल है, और इन पूरे मामलों को लेकर अब स्कूल जो है वो चूंकि धर्मांतरण के अड्डे मिशनरी स्कूल बन चुके हैं, तो ऐसे में गृह मंत्री ने कहा है कि पूरे स्कूलों की जांच की जाएगी, गुप्त रूप से ये जांच की जाएगी कि कहीं ना किसी जो स्कूल है वो इस तरह की दोबारा हरकत तो नहीं कर रहे हैं। जी जी, इस पर बड़े अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं ब्रजेश? देखिए, अगर भोपाल के पर्टिकुलर मामले की हम बात करें तो लगभग 2 साल से यहाँ पर प्रार्थना सभाएं शुरू की गई थी। जो क्राइस्ट मेमोरियल स्कूल है, यहाँ पर 2 साल पहले संडे की जो प्रार्थना सभा थी वो आयोजित की गई, लेकिन धीरे धीरे बाइबल लोगों को बांटी गई, बाइबल के पाठ स्कूल में होने लगे। संडे के रोज जो दूसरे आस पड़ोस की गरीब बस्तियों की झुग्गियों के जो लड़के लड़के खासतौर से नई उम्र के जो लोग थे उनको हिंदू धर्म के खिलाफ बरगलाया जा रहा था, कई देवी देवताओं का अपमानजनक बातें उनको बताई जा रही थी, और किस तरह हिंदू धर्म के कंपैरिजन में मिशनरीज क्रिश्चियन धर्म को महान बताकर उनके ब्रेन वॉश कर रहे थे। ये तमाम शिकायतें थी। इस पूरे मामले में जांच चल रही है, 4 लोग जो गिरफ्तार किए गए हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है, आज उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा, रिमांड उनका जो है वो मांगे जा सकते हैं। और क्राइस्ट जो पूरी कमेटी है, क्राइस्ट संस्था जो है उसके भोपाल में 3 स्कूल संचालित है, उनकी भी जांच की जा रही है, और क्राइस्ट के मध्य प्रदेश में जहां जहां भी संस्थान है, शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग सेंटर है, या जो भी उनके सेवा कार्य चलते हैं जिसके आड़ में धर्मांतरण किया जाता है, उनकी भी जांच करने की तैयारी है। जी जी ब्रजेश, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।